अपने पैसे खर्च करके घूमने में मजा आता है स्पॉन्सर्ड में? नहीं, मुझे अपने पैसे खर्च करके बिल्कुल मजा नहीं आता। मतलब फिर ऐसा एक लगता है कि पैसे जल रहे हैं। सही कह रहे हैं, पूरा स्कूल जाता है कि हाँ मेरे स्कूल में है कोई जो फेमस है, मेरा स्कूल का नाम, सब खुश है सब। नमस्ते, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और अभी हम और साधु चल रहे हैं घूमने के लिए। शाम का टाइम है, 6:05, आज सैटरडे है, तो चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं। ये अपनी गाड़ी तैयार करिए, गेट लॉक कर देते हैं। देखो साधु कितनी अच्छी लग रही, प्यारी सी टोपा लगा के। ओ माय गॉड, चलो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। तो अभी हम और मेरे हस्बैंड जी चल रहे हैं घूमने के लिए। कहाँ जाएंगे ये डिसाइड कर रहे हैं घर से निकलने के बाद में। तो अभी मैप पे लोकेशन लगाते हैं कहाँ चले। पहले तो सब लोग भाई वीडियो को लाइक कर दो, लाइक बहुत कमा रहे हैं आप लोग। वीडियो देखते हो लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दीजिए, फिर वीडियो को आगे शुरू करते हैं। और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि अब हम अकेले नहीं बचे हैं, हमारे साथ सालू भी, दोनों लोग मिल के वीडियो बनाएंगे। तो कहाँ जाते हैं? तो यात्रीगण, आज जो है हमने अभी डिसाइड नहीं किया था कि घर से घूमने निकल लिए, क्योंकि घर में बैठे बैठे फोन चलाते चलाते बोर हो रहे थे। तो हमने और हम कहाँ चले कर रहे थे। खुद ही एडमिट कर रही है। तो डिसाइड हुआ कि कहाँ चलते हैं, तो घर से बाहर गाड़ी निकाले, तो हमने एक दो लोगों को फोन किया, हमने कहा कोई अवेलेबल हो तो चलो चल के मिलते हैं। तो आज प्रियांशी को शायद आप लोग जानते होंगे, प्रियांशी पांडे इंस्टाग्राम पे वीडियो वगैरह बनाती रहती है। तो प्रियांशी से हम बहुत दिन पहले मिले थे, तो प्रियांशी फ़ोन लगाया, तो हमने कहा फ्री हो तो चलो घूम के आते हैं। तो बोली ठीक है आ जाओ, यहीं पे कोई उनका शो वगैरह हो रहा है, तो शो वगैरह हो रहा है तो वहीं पे हैं प्रियांशी, तो चलो चलते हैं मिलते हैं, कुछ दो चार बातें करेंगे। सालू तो रील बनाओगी वहाँ चल के? देखते हैं, कोशिश करते हैं। ओके, तो अभी आ चुके हैं, ये अपनी गाड़ी पार्क कर दिया है, और ये इधर सामने शायद होटल है, यहीं पे फैशन शो हो रहा है, चल के दिखाते हैं आपको। फर्स्ट टाइम इंटरव्यू लिया था तब मिले थे, जब मेरे भाई मिले थे। आप जाके मिले इतने दिन बाद, कितने हो गए? कितने साल हो गए? प्रियांशी की बहन, और ये प्रियांशी एज नो एन पंडित गर्ल, और ये है सालू गर्ल। हे गाइस, कैसे हो आप सब? मैं प्रियांशी, आज 2 या 3 इयर्स बाद मिल रही हूँ भैया से। बात लगातार होती रहती है लेकिन मिल कोई नहीं पा रहा है। और भैया के साथ साथ भाभी से मिले, हम डबल हो के आए। सही में बहुत टाइम पहले मिले तुम लोग, और बहुत अच्छा लग रहा है। आज बताओ इनका कि आप यहाँ पे किस वजह से हैं, क्या प्रोग्राम है यहाँ पे? एक्चुअली मेरे घर के पास की लोकेशन है, यहाँ पे एक फैशन शो और अवार्ड फंक्शन का इवेंट है, तो हमें इन्वाइट किया गया था। ओके, तो अगर आपको नहीं पता है तो अंशिका प्रियांशी की सिस्टर तो है ही, साथ साथ में इनका बहुत सारा हेल्प करवाती है, इनका इंस्टाग्राम और कंटेंट क्रिएशन मैनेज करने में। मेरा शूट मेन तो शूट वो ये शूट जो भी है, अभी जैसे कि आए थे वो कुछ डिसाइड कर रहे थे, तो ये फट से बता रही हैं डिसीजन लेके कि क्या करना है। बता रही है कि मुझे कौन सी ड्रेस पहननी है, कौन सी नहीं पहननी, कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है। तो यहाँ पे शायद कुछ वॉक अराउंड कराएंगे क्या? और भी लोग होंगे ना जो जैसे कोई नॉन पर्सनालिटी यहाँ पे? हाँ। कौन कौन कुछ बताएंगे? कोई फेमस मेरे साथ जैनी आई है, जैनी इधर आ जाओ। हेलो, ये इन्फ्लुएंसर है, आपने देखा होगा साथ में वीडियोस में। फर्स्ट टाइम मेरे से मिले थे तब से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बात नहीं हो पाती है, मतलब मिल नहीं पाते लेकिन बात होती रहती है। इम्प्रॉम्प्टू इंटरव्यू, तो मिलिए प्रियांशी पांडे से, एके पंडित गर्ल, और हम लोग मिल रहे हैं काफी टाइम बाद, और ये लखनऊ की एक लौटी इन्फ्लुएंसर है जो ढंग से काम कर रही है, बाकी तो सब लोग आते जाते रहते हैं। नहीं सही बात, कोई एक्टिव नहीं, मैं किसी भी इंटरनेट पे सर्च कर लूँ कोई ऐसा लखनऊ में नहीं है जो रेगुलर वीडियो बना रहा हो और कुछ चल रहा हो ढंग का। इवन हम ही आए थे कुछ दिन बना है गायब। हाँ, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू लिया था भैया ने बहुत दिन पहले, अच्छा था वो।
तो अभी प्रियांशी को अगर आप नहीं फॉलो करते हो तो फॉलो कर लेना, हमें भी फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। और अभी थोड़ा सा प्रियांशी जर्नी बताइए कि जो लोग इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाते हैं उनको फेमस होने का क्या सीक्रेट है? क्योंकि आजकल देखो हर आंटी इंस्टाग्राम पे आ रही है, सभी अंकल आ रहे हैं, लड़कियां सारी आ रहे हैं, सब लड़के आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। वैसे आप भी आइए, एक वीडियो बनाइए, अगर वायरल हो जाती है तो उसको फिर से मतलब आप बनाते रहिए, मतलब उसी सॉन्ग पे या उसी टाइप के बनाइए, जिस तरह के लोग को पसंद आ रही है आपकी वीडियो वैसे आप बनाइए, उस लोकेशन पे वैसे लिपसिंग करके जैसी पब्लिक को पसंद तो है, मतलब 5-6 वीडियो ऐसी डालनी है उससे कुछ आइडिया लगे कि आपकी कैसी वीडियो चल रही है। हाँ, उससे पता चल पहले तो ऐसे ऐसे अजरा में जो है वीडियो देखनी है, ऐसा क्या नहीं है, ऐसे कुछ भी डालोगे तो पब्लिक नहीं पसंद करेगी। नहीं तो कंटेंट अच्छा बनाइए कि लगे कि हाँ वो अच्छा है, मेहनत की है, ऐसे कुछ भी डालेंगे तो नहीं चलेगा। अपने हिसाब से पूरी मेहनत करके डालो, मेहनत करते रहिए, फिर उसमें से जो अच्छी चल जाए उस टाइप की और वीडियो बनाते रहिए, वैसे आपकी पब्लिक को पसंद हो जाएगी तो और भी पब्लिक पसंद करेगी, तो वैसे ही। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ लोग इंस्टाग्राम पे अकाउंट पे फॉलोअर बहुत हो गए, कुछ वीडियो चल गई फिर व्यूज नहीं आते, तो बड़ा अजीब सा लगता होगा, बेइज्जती महसूस होती है। फिर से हार नहीं मानी, फिर से वीडियो बनाती गई बट ठीक ठाक अब आने लगे। तो अभी 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 कितने फॉलोअर हैं टोटल? अभी तो 1.9 है। 1.9 मिलियन फॉलोअर हैं। मिलियन में कितने जीरो होते हैं आप कमेंट करके बताइएगा नीचे। तो और यूट्यूब भी कर रही शायद आप? हाँ, यूट्यूब पे ब्लॉग बना रहे हैं यूट्यूब पे। इस टाइम एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि दीदी की शादी पड़ गई थी, वो ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। कोई बात नहीं, फिर भी YouTube पे मतलब कितने अपने सब्सक्राइबर वगैरह हैं? 700K हो गए हैं। 7 लाख सब्सक्राइबर हैं YouTube पे। और उस पे तो लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, हमने देखा। हाँ, लॉन्ग बनाते हैं, शॉर्ट बनाते हैं। पटना अटना का ट्रैवल का बनाया है। कहाँ कहाँ तक ट्रैवल कर लिया? अभी तो पटना गई, मुंबई गई, दिल्ली गई, राजस्थान भी गई हूँ। राजस्थान में कहाँ? और घूमना बाकी है। कोई नहीं, अपना लगा। अच्छा, गोवा तो भी गई हूँ, जब मुंबई गई थी तो गोवा भी। अपने पैसे खर्च करके घूमने में मजा आता है या स्पॉन्सर्ड में? मुझे अपने पैसे खर्च करके बिल्कुल मजा नहीं आता, मतलब फिर ऐसा एक लगता है कि पैसे जल रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हैं, जाने के बाद चलो यार यहाँ ना खाते वहाँ खा लेते हैं, यहाँ ना रुकते हैं, ऐसा पैसे बचाने के चक्कर में एंजॉय नहीं हो पाता। और जो वैसे फ्री का होटल मिलता है बढ़िया, ये तो बात है, ये रिलेट कर सकते हो। अच्छा, जो लोग ऐसे आप पढ़ाई भी करती हो, ये इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू ही हो रहा है, तो मेरा इंटरव्यू लेने लगे पूरा सेकंड टाइम। कोई नहीं। अच्छा ये बताओ, जैसे आप पढ़ाई भी कर रही हो तो ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम जो वीडियो बना रहे हो तो इससे फर्क पड़ता है पढ़ाई पे? पढ़ता तो है ही, थोड़ा बहुत टाइम नहीं दे पाती हूँ पढ़ाई को, बट किसी तरह निकालती हूँ टाइम की, नहीं पढ़ना है क्योंकि पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देनी है, वो ज़्यादा जरूरी है इन सबसे। ये कई बार एडिक्शन हो जाता है, इंस्टाग्राम है तो छुट्टा नहीं है, वो थोड़ा है, छुट्टी करनी पड़ती है इंस्टाग्राम की वीडियो के लिए मुझे, और यूट्यूब की वीडियो के लिए छुट्टी करनी पड़ती है, स्कूल की छुट्टी कर देती हूँ। अच्छा, कुछ जब से वीडियोज बनाना शुरू किया है, जब से वीडियो बनाना शुरू किया है कुछ परफॉर्मेंस में कमी आई है पढ़ाई में, जैसे कि पहले आप फर्स्ट में आती थी? थोड़ा बहुत तो आई है, मतलब पहले ज़्यादा अच्छे नंबर आते थे, अब उससे थोड़ा कम अच्छे आते हैं। पहले जैसे स्कूल में अच्छे नंबर आते थे क्लास में, तब अच्छी इज्जत मिलती होगी? अभी भी मिलती है। अब फॉलोइंग की वजह से, इसकी वजह से ज़्यादा और मिलती होगी, उससे ज़्यादा पूरा स्कूल जाता है कि हाँ मेरे स्कूल में है कोई जो फेमस है, सब खुश है, सब आज कहते कि अच्छा है, तो मेरे स्कूल में मेरे स्कूल का नाम बढ़ रहा है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो अगर बताना चाहो? महानगर पब्लिक कॉलेज, शेखर नगर में। पहुँच मत जाना, कोई तो भीड़ लगा देना। आप जिस दिन पहुँचोगे अगर मैं अटेंड हो सकती हूँ, क्या बता, ड्रग में छोड़ी जाती हूँ। सही बात है, वैसे स्कूल में बहुत सारे लोग आते, भीड़ में ढूंढे मिले ना मिले, क्योंकि ड्रेस पहन के जाओगे उसमें सब एक ही जैसे दिखते हैं। तो चलिए बढ़िया है, पढ़ाई करिए भाई, ये इंटरनेट कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, इंटरनेट यहीं रहेगा, इससे भी अच्छी खराब चीज़ें आएंगी, सब चलता रहेगा, तो पढ़ाई भी करिए, उसके साथ साथ में जो कर पाए वो करिए, ये मत कि छोड़ दीजिए, पता लगा इंस्टाग्राम बैन कर दिए मोदी जी, बिना कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि एक बार टिकटॉक के साथ ऐसा हो चुका है। उस वाले इंटरव्यू में टिकटॉक और लाइकी पे था, मेरे 1 मिलियन होने वाले थे लाइकी पे, और ये 1 लाख था, वहाँ 1 लाख थे टिकटॉक पे,
बट चला गया तो बहुत रोना आया। अच्छा थोड़ा ये बताओ, भी सुना है इंस्टाग्राम पे मोनेटाइजेशन भी आ गया। हाँ। तो उधर आपका आना है? हाँ, ऑन है, उसे सब्सक्राइब होगा तब जाके सब्सक्राइब करके अगर कोई वीडियो देखेगा तो मिलेगा। तो कितने सब्सक्राइबर हैं अभी? तो एक भी नहीं है, कोई सब्सक्राइब तो करे। अभी इंस्टाग्राम पे दो चीजें आ गई, एक फॉलो करना, एक सब्सक्राइब करना, ये चीजें। अच्छा तो ये बताइए थोड़ा सा, इंस्टाग्राम पे जैसे पैसे किसी को कमाने हो तो कैसे कमा सकता है, क्या तरीके हैं? वीडियो बना के फेमस तो कई लोग हो जाते हैं, उसके लिए फॉलोअर्स में रखने, फॉलोअर्स होना बहुत जरूरी है। अगर आपके 10K हैं तब आपके 10K अगर हैं, हाँ 10K हैं तो फिर आप कमा सकते हो अच्छे से, मतलब कोई भी स्टोरी प्रमोशन करके ब्रांड वरन से मिल जाएंगे, ब्रांड प्रमोशन आपको मिल जाएंगे आराम से। अच्छा ये कुछ लोग कुछ भी उल्टी सीधी वीडियो डाल के फेमस हो जाते हैं तो क्या उनको ब्रांड प्रमोशन मिलेगी? उनको भी मिलते ही हैं, मिल जाते हैं लेकिन बहुत चीप से मिलेंगे। अगर आप वैल्यू वाला कंटेंट बनाओगे तो आपको अच्छे ब्रांड पर अच्छे मिलेंगे, नहीं तो जो लोग देते ना कानों में कुछ लगा के वीडियो बना रहे हैं उनके फॉलोवर तो बढ़ जाएंगे लेकिन उनसे पैसे आना आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब फिर आपका ज्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी मार्केट में वैल्यू नहीं है। वैल्यू होना बहुत जरूरी है, तो इंटरनेट पे भी वैल्यू बना के रखो तभी पैसे आएंगे भाई। मिलिए जैनी से, ये भी जो इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती हैं, BKT लखनऊ से हैं। बताना था क्यों नहीं बताना था? तो आप किस तरीके की वीडियो बनाती हैं? लिरिक्स। ओके तो आप इनको फॉलो करिए, सारे अकाउंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। भैया की गर्लफ्रेंड भी थी और सामने मेरे भाभी बैठी हैं, उनके बारे में चर्चा चल रही है और उनकी आईडी पे। ये पंडित लोगों का काम होता है शादी जुड़वाना, ये लोग तुड़वाने लगे। तो अभी सालू जो है अंशिका के साथ जो है घुल मिल गई है, पहले तो कह रही थी हम नहीं जाएंगे मिलने। कह रही थी हम जानते नहीं है, सोच रहे थे मिलने के लिए, शादी की है पहले, मुझे आपकी खैर नहीं है और आपसे कुछ पूछना है, अभी ब्लॉग में ही बताऊंगी। तो अभी सब लोग गए हैं नीचे, कुछ तो शो वगैरह हो रहा है, हल्का फुल्का आपको दिखा देंगे। और मिलिए, आइए आइए, आपको मिलाते हैं एक और फेमस पर्सनालिटी से। बैठिए बैठिए। सालू मोरिया AKA सालिनी, इनके हैं इंस्टाग्राम पे 100 से भी कम फॉलोअर। ये नहीं बताना है। तो आप लोग फॉलो करके फॉलोअर बढ़ाइए, ठीक है? और ये देखिए ये रूम है, यहाँ पे जो लोग शो वगैरह हो रहा है वो सब चेंज वेंज कर रहे हैं तैयार व्यार होने के लिए, रूम मिला हुआ। होटल कौन सा है हमने आपको बाहर से दिखा दिया था, द लिली विलास करके है। ये देखिए ये होटल है द लिली विलास, और हम आपको लोकेशन भी दिखा रहे हैं, कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन के पास में है। ये देखिए सालू, शो में मजा आएगा, अभी और भी धमाकेदार चीजें बाकी हैं, आप लोग बोर मत होइए। और मैं अंश जी से कहूँ तो दैट्स इट फॉर टुडे, आज का इवेंट यहीं पे ओवर होता है और हम लोग ऐसे निकले थे घूमने के लिए और ये तो कुछ ज्यादा ही मजा हो गया हमारे पास आईफोन। तो सालू कैसा लगा? अच्छा लगा, हम लोगों ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ ऐसा होगा, हम तो सोच रहे थे मॉल जाएंगे। प्रियांशी को फोन इस वजह से हमने किया था कि चलो उनको भी साथ में ले चलेंगे, थोड़ा अच्छे वीडियो मतलब वीडियो वगैरह बन जाएंगे, थोड़ा मस्ती हो जाएगी, तो इस वजह से फोन किया था। तो यहाँ तो कुछ और ही हो गया, हम तो बता से भी नहीं मिलेंगे। कोई नहीं, इसको बता से मतलब। तो ठीक है, ओके। तो आप लोगों ने देखो शुरुआत में वीडियो लाइक किया था, उसका नतीजा है कि वीडियो और बहुत अच्छा बन गया, काफी मजे आए, हम लोगों ने कुछ नया सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, वीडियो को लाइक अगर अभी तक नहीं किया है वीडियो को देख रहे हो तो भाई जरूर लाइक करो, और वीडियोस बनाएंगे। लखनऊ में बहुत से इन्फ्लुएंसर लोग रहते हैं, उनसे सबसे मिलवाएंगे, मिलेंगे, कुछ सीखेंगे, आपको भी बताएंगे, क्योंकि इंटरनेट एक अभी
बूम हो रहा है अभी, क्या बहुत दिन से बूम हो रहा है, अब मतलब ऐसा लग रहा है कि इंटरनेट के बिना दुनिया आगे कुछ नहीं होगा। तो आप सब लोग भी इंटरनेट पे आओगे तो हम आपको थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे, जो लोग इंटरनेट पे ऑलरेडी हैं उनसे पूछ पूछ के कि क्या क्या सावधानियां रखनी, कैसे ग्रो करना है, जैसे कि प्रियांशी ने कुछ टिप्स दिए हैं हम भी आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। रात के 11 बज रहे हैं, 11:12 हो गए हैं और इसको गोलगप्पे खाने मन कर रहा है। चलो कोई नहीं, दुकान मिल गई, खा लेते हैं। ये तो खैर लखनऊ है तो मिल जाता है, वरना 10 बजे के बाद सब बंदी हो जाता है। तो चलिए गोलगप्पे खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।